हेलो एवरीवन, मैं सानिका जैतापकर आपका स्वागत करती हूँ प्राइड एडुकेट के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट बात जानने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन इंट मेन एंड इंट मेन वॉइड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको दोनों का मेन डिफरेंस पता चले और आप अंडरस्टैंड कर सके कि ये दोनों कहाँ आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इंट मेन और इंट मेन वॉइड अगर आप लिखते हो तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ये दोनों का भी आउटपुट आपको सेम ही आने वाला है। बट जब मैं इंट मेन की बात करती हूँ तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर्स नहीं दे रहे, बेसिकली हमारे पैरेंथेसिस एम्प्टी है एंड दैट इज व्हाई आप n नंबर ऑफ पैरामीटर्स इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहीं स्पेसिफाई नहीं करते कि कितने पैरामीटर्स होने चाहिए। बट जब भी हम इंट मेन वॉइड यूज करते हैं तब हम पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर अलाउड नहीं है। सो जब भी हम ये फंक्शन लेते हैं, ये फंक्शन में हम कोई पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली यही इसका मेन डिफरेंस है कि आपके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है ये डिपेंड करेंगे बेस्ड ऑन इंट मेन या इंट मेन वॉइड पे। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि इवन तो आप इंट मेन या इंट मेन वॉइड लिखो, दोनों का आउटपुट आपको सेम ही आएगा। बट अगर आपको पता है कि आपका जो फंक्शन है इसमें आपको कोई भी पैरामीटर्स नहीं डालने हैं तो आप डेफिनेटली यूज करना चाहेंगे इंट मेन वॉइड, जिससे कि आपके सिस्टम को भी पता है कि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स नहीं आने वाले हैं। एंड दैट इज अ सजेशन, तो आपको ये सजेशन फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है जब भी हम कोडिंग करते हैं इन C या फिर C++। आई होप आपको ये डिफरेंस अभी अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।